हेलो पीपल, तो पिछले कुछ दिनों में सैमसंग गैलेक्सी S21 के बहुत सारे लीक्स आए हैं। बहुत सारे तो नहीं, लेकिन तीन चार लीक्स तो आए हैं और हमने उसके ऊपर वीडियोस भी की हुई हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसके फ्रंट फेसिंग सेल्फी अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकली इमेज स्टेबलाइज्ड कैमरा के बारे में। अरे कहना क्या चाहते हो? तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सैमसंग के गैलेक्सी S21 में हमें क्वाड कर्व्ड स्क्रीन मिलने वाली है, और उससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इसमें हमें अंडर डिस्प्ले कैमरा मिलने वाला है। और पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है और आप देख सकते हो उन वीडियोस को भी। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है, सैमसंग कंसिडर कर रहा है कि हम इसके फ्रंट फेसिंग कैमराज में ऑप्टिकली इमेज स्टेबलाइज्ड जो जो कैमराज हैं वो यूज करेंगे। तो अभी लीक्स आए हैं ऑल द वे फ्रॉम कोरिया, और इसे सैम मोबाइल्स ने भी जो है वो अपनी साइट के ऊपर मेंशन किया था, और उन्होंने ही बताया है कि कैसे इन स्मार्टफोन्स में जो है वो ऑप्टिकली इमेज स्टेबलाइज्ड कैमराज यूज हो रहे हैं। तो दो प्रोटोटाइप्स सामने आए हैं सैमसंग की तरफ से, कोरिया में यूज किए जा रहे हैं ये जो प्रोटोटाइप्स है, ये टेस्ट किए जा रहे हैं। तो पहला प्रोटोटाइप जो है उसमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, और उसका जो सेंसर साइज है और अपर्चर वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो। तो 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, ऑप्टिकली इमेज स्टेबलाइज है ये कैमरा, भी अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, और सैमसंग गैलेक्सी S21 के लिए ये टेस्ट किया जा रहा है। दूसरा प्रोटोटाइप जो है वो 48 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ में है, और ये दोनों स्मार्टफोन्स में जो सेंसर हैं वो सैमसंग की तरफ से ही हैं। और दूसरा जो 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा है वो भी S21 के लिए ही जो है वो टेस्ट किया जा रहा है। दोनों ही कैमरे ऑप्टिकली इमेज स्टेबलाइज्ड हैं, और अगर आपको नहीं पता कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन क्या होती है तो हमारी वीडियो यहाँ पे आप देख सकते हो आई कार्ड में कहीं पे। तो ये जो स्मार्टफोन में कैमराज की बात हो रही है, तो ये एक पहली बात तो ये अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी होने वाली है, दूसरी बात ये ऑप्टिकली इमेज स्टेबलाइज होने वाले हैं, और तीसरी बात इसके सेंसर्स जो हैं, अगर 48 मेगापिक्सल का है और अपर्चर वगैरह यहाँ पे आपने देखा तो इसके सेंसर साइज बहुत बड़ा है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि लोअर लाइट में जो सेल्फीज हैं उसकी जो क्वालिटी बहुत निखर कर आएगी। जो सेल्फीज़ हैं लो लाइट में, आप फोटोज़ क्लिक करेंगे सेल्फीज़ कैमरा से तो बहुत अच्छी आएंगी। दूसरा, अगर आप वीडियोज़ क्लिक करेंगे, वीडियोज़ बनाएंगे अगर आप इस स्मार्टफोन के कैमरा से, तो OIS होने की वजह से जो वीडियोज़ हैं वो बहुत ही क्लीन बनेगी, शेकी नहीं बनेगी। तो ये फ़ायदा होगा इस कैमरा टेक्नोलॉजी का, और भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स आएंगी। और अगर ये टेक्नोलॉजी सैमसंग लेके आता है S21 में तो बहुत ही बढ़िया बात होगी, और हो सकता है कि सैमसंग का जो S21 होगा स्टैंडर्ड, उसमें 12 मेगापिक्सल का सेंसर हो, और हो जो S21 अल्ट्रा होगा तो उसमें जो है वो 48 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा हो। तो भी देखते हैं कि सैमसंग कैसे इंप्लीमेंट करेगा इन कैमराज को। और ये जो OIS जो है इस फ्रंट फेसिंग कैमरा में इतनी स्पेशल क्यों है, क्योंकि एक तो OIS जो है वो शायद ये दुनिया का पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें फ्रंट फेसिंग कैमरा में OIS है, पक्का नहीं पता मुझे लेकिन शायद हो सकता है। दूसरा, इसमें क्वाड कर्व्ड स्क्रीन होने वाली है। तीसरा, इसमें जो है अंडर डिस्प्ले कैमरा होने वाला है। तो ये स्मार्टफोन जो है वो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा कह लो कि स्पेशल होने वाला है। और क्या नई नई टेक्नोलॉजी आती है सैमसंग गैलेक्सी S21 में, मैं आपको बताता रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक पर भी फॉलो कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। हमें कमेंट करके बताइए कि आप इंटरेस्टेड हो S21 सीरीज़ में या नहीं, और हमने प्लेलिस्ट बना दी हुई है इसके लीक्स के ऊपर, तो आप यहाँ पे कहीं पे देख सकते हो आई बटन पे क्लिक करके। और हमें प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चंगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।